Good afternoon, friends. Earlier, we have learnt about good morning, good afternoon, good evening. Now, in this chapter, we learn about watches and time. Priya dosto, pichle chapter mein humne good morning, good afternoon aur good evening, good night ke baare mein sikha. Is chapter ke andar hum ghadi aur time puchne aur batane ke tareeke par baatchit karenge. जैसे कि हम पहले लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉचेस. घड़ी, घड़ियां कितने प्रकार की होती है आप सभी जानते हैं. दीवार पे घड़ी लगाई जाती है, इसको वॉल क्लॉक कहा जाता है. दूसरा, जो हम टेबल पे रखते हैं उसको टाइम पीस या टेबल घड़ी कहा जाता है. तीसरा, हम कलाई पे बांधते हैं उसको रिस्ट वॉच या हाथ घड़ी कहा जाता है. तीसरा, क्लॉक टावर, आपने देखा होगा बड़े बड़े जगहों में घंटाघर होता है, उसको क्या कहा जाता है, क्लॉक टावर. और चौथी, सनडायल, सूरज घड़ी, आपने जयपुर में, दिल्ली में जंतर मंतर देखे होंगे, ये सनडायल या सूरज घड़ी के नाम से जाने जाते हैं. इसके बाद सवाल ये आता है, हम टाइम किसी से पूछे कैसे, इसके भी तरीके हैं. अंग्रेजी, इंग्लिश स्पोकन में, कम्युनिकेशन स्किल में, हर एक चीज पूछने का एक निहित तरीका होता है. किसी से टाइम पूछना है तो हम पूछते हैं आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, ये तो, और व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. इसको दूसरे तरह से पूछा जा सकता है छोटे में, टाइम प्लीज, पर ज्यादा प्रॉपर व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच ही ज्यादा प्रॉपर होता है. अब समय तो आपने पूछ लिया, सामने वाला समय बताया कि ऐसे, उसके भी कुछ कम्युनिकेशन स्किल में खास तरीके होते हैं जिससे सुनने वाले को भी अच्छा लगे और बोलने वाले को भी अच्छा लगे. समय बताने के तरीका होता है, हम बोलते हैं कौन बजा है, कई बार सवा बजा है, डेढ़ बजा है, दो बजा है, कैसे बोला जाए. जैसे किसको बोलना था कि 15 मिनट बाकी है ना, कौन बजा किसी भी संदर्भ में, तो उसको बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू. अगर एक बताना तो इट इज क्वार्टर टू वन. उसी तरह 15 मिनट गुजर चुके हैं, मान लीजिए 12 बज के 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 12. फिर अगर आधा घंटा बाकी है, मतलब मान लीजिए 7 बजने में आधा घंटा बाकी है, 8 बजने में आधा घंटा बाकी है, उसको बोलते हैं इट इज हाफ एन आवर टू जितने बाकी, जैसे 7 में बाकी है हाफ एन आवर टू 7, हाफ एन आवर टू 8. इस पर अगर आधा घंटा बीत चुका है, मान लीजिए 8:30 बजे है, आधा घंटा बीत चुका है 8 से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे इट इज हाफ पास्ट 8 और इट इज हाफ पास्ट 7. पांचवा उदाहरण, 10 मिनट बाकी, आपको बोलना है कोई भी समय में 10 मिनट बाकी है, तो उसको बोलेंगे इट इज 10 मिनट्स टू जितने बाकी है, जैसे 5 बजने में 10 मिनट बाकी है इट इज 10 मिनट्स टू 5. 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बीत चुके हैं, 10 मिनट्स पास्ट आगे जितना बीत चुके हैं. इसी तरह बोला जाए, कैसे बोला जाएगा, अब समय के साथ हम लेंगे. अभी 7:15 बजे हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 7 बाय माय वॉच. अभी 7:45 बजे है, इट इज क्वार्टर टू 8. अभी 1:10 दोपहर के हुए हैं, तो बोलेंगे इट इज 10 मिनट्स पास्ट 1 बाय माय वॉच. अभी 9:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट 9 बाय माय वॉच. इसी तरह से पांचवा उदाहरण लेते हैं, 7 बज गए, 8, 9, 10, 11, 12, इनको प्रॉपर टाइम को क्या बोला जाए, तो इसको बोलेंगे इट इज 7:00. अगर सुबह का टाइम हो तो इट इज 7:00 इन द मॉर्निंग. इसी तरह अगर शाम का टाइम हो तो इट इज 8:00 इन द इवनिंग, जैसे कि रात के शाम के 8 बज चुके हैं. इसी तरह से दोपहर 12 बजे को बोलेंगे इट इज 12:00. इसी तरह रात के 12 बजे को बोलेंगे इट इज 12:00 नाइट. अब हमें एम और पीएम का उपयोग कब करना है, एम और पीएम का उपयोग रात को 12 बजे से चालू होकर दोपहर के 12 बजे फिक्स तक का समय एएम कहलाता है, और दोपहर 12 बजे के बाद से वापस रात 12 बजे का टाइम पीएम कहलाता है. इस तरह ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें घड़ियों के संदर्भ में घड़ी का टाइम बताना पड़ता, टाइम पूछना पड़ता, सभी कुछ कम्युनिकेशन स्किल में तरीके होता. तो बच्चों, आपने देखा, और जो भी आप लोग देख रहे हैं, जितने भी वॉचर है, वो ध्यान से इसको देखें, और इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा मजा आता है अगर उसको सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाए. मैं ये सोचता हूँ अभी लॉकडाउन के समय आप कुछ बोर भी हो रहे हैं, उसमें ये इंग्लिश आपका नॉलेज को भी बढ़ाएगा, साथ में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करवाएगा. तो इस लेसन में आज इतना ही. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ गलत लगा तो कमेंट भी करें। सबके लिए हम प्रस्तुत हैं। माय सेल्फ जेके घोष, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज माय सेकंड लेसन एंड दिस इज फॉर योर टाइम। टाइम द टाइटल इज वॉच एंड टाइम। थैंक यू।